टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुक्रवार को जारी अपनी ताजा आर्थिक शोध रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में वृद्धि को बढ़ावा देना, राजकोषीय मजबूती हासिल करने और खपत को बढ़ाने पर जोर होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बजट में कर रियायतों में कुछ बदलाव हो सकता है, जबकि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के तहत निवेश बढ़ाने के लिए अधिक आवंटन किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बॉन्ड बाजार में उतार चढ़ाव से बचने के लिए सकल उधारी को 12,000 से 13,000 अरब रुपए की सीमा में बनाए रखा जाएगा। इस तरह वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6 से 6.25% के बीच रहने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की शोध रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में 13% की बढ़ोतरी के साथ केंद्र का शुद्ध राजस्व 12.2% और खर्च 4.5% बढ़ सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले वित्त वर्ष में अपेक्षित विनिवेश आय लगभग 750 अरब रुपए हो सकती है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।